खबर दमोह जिले के जबैरा से है, जहां बहेरिया प्राथमिक और माध्यमिक शाला में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। स्कूल के बच्चे अचानक चक्कर खाकर बेहोश होने लगे। खासकर जब स्कूल में प्रार्थना होती है तब कई बच्चे चक्कर खाकर गिर जाते हैं। ऐसा बीते 3-4 दिन से हो रहा है। लगातार इस तरह की घटनाएं होने पर स्कूल प्रबंधन ने स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दी और स्कूल के शिक्षक सभी बच्चों को नोहटा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया। स्कूल में इस तरह की घटना घटने से अफवाहों का बाजार भी गर्म है। कोई इसे ऊपरी बाधा बता रहा है, कोई कुछ, लेकिन डॉक्टर ऐसी किसी भी चीज से इनकार कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों को कमजोरी की वजह से चक्कर आ सकते हैं और शायद इन बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। फिलहाल सभी बच्चों का इलाज जारी है, वहीं कई बच्चों के अभिभावक भी मौजूद हैं। इसके साथ ही शाला प्रबंधन की टीम भी बच्चों की सतत निगरानी कर रही है। कुछ बच्चे शाला से नोएडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट हुए हैं, तो मैंने यहाँ का जायजा लिया और देखा कि कुछ बच्चे स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती तो हुए हैं, उनमें कमजोरी पाई गई है। डॉक्टर साहब ने यहाँ पर अच्छा इलाज किया है, तो ऐसी मुझे कोई ज्यादा बीमारियां समझ में नहीं आई हैं। और यदि किसी प्रकार की दिक्कत आती है उनके लिए और खाने पीने में स्कूल के द्वारा कोई परेशानी उनको कहीं है, तो जो भी अधिकारी या कर्मचारी उसमें दोषी पाया जाता है तो उच्च अधिकारी उसे कहकर उनकी जांच करवाई जाए। ये मेरे पास खबर आई थी कर्नाटक ANM के द्वारा कि कुछ बच्चे हैं, तो उनको मैंने प्राथमिक स्वास्थ्य के नोटा में बुलाया है। जो भी अपनी आशा दिए आशा के द्वारा करीब 18 बच्चों को लाए हैं, जिसमें उनके टीचर भी थे और अभिभावक भी थे। बाकी सब बच्चों को जांच करने के बाद कुछ सबको थोड़ी बहुत नॉर्मल कमजोरी थी और की कमी थी, तो उनको दया लगा के और आयरन कैल्शियम देकर उन सबको ट्रीटमेंट कर दिया। बाकी सभी बच्चे स्वस्थ हैं।